आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इस महीने की शुरुआत में कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के पास चला गया था। 16 मार्च को यह $99.32 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता सकारात्मक रूप से चल रही है। चीन में कोरोना के फिर पाव पसारने से कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कच्चे तेल की मांग में कमी आई है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने ओपेक देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है। ईरान और वेनेजुएला से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद जगी है। 2014 से 2020 तक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते थोक महंगाई दर 5% के आसपास बनी हुई थी। 2020 के मध्य में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ थोक महंगाई 10% के करीब पहुँच गई। मार्च 2020 से फरवरी 2022 के दौरान थोक महंगाई 20% बढ़ी है, जबकि तेल और ऊर्जा कमोडिटी की कीमतों में 40% की वृद्धि रही है। ऐसे में यदि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार रहती है तो आने वाले दिनों में उपभोक्ता लागत में बढ़ोतरी होगी। 2014 से पहले तक केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की सब्सिडी पर भारी भरकम खर्च करती थी। 2012-13 में सब्सिडी पर सबसे ज्यादा 1.64 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2014 में पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार के हवाले कर दिया गया, इससे सरकार के सब्सिडी खर्च में कमी आई। 2019-20 में सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की सब्सिडी पर 266 अरब रुपए खर्च किए थे। यदि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आता है तो सरकार सब्सिडी को खत्म करके इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। ऐसा होने पर पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। 2014-15 में भाजपा नीत गठबंधन की सरकार बनने के समय कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम स्तर पर थीं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इसके अनुरूप कटौती नहीं की। इस कदम से सरकार को ज़्यादा राजस्व मिला और वित्तीय घाटे पर काबू पाने में मदद मिली। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर कर से 4.6 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो 2013-14 के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा था। अब यदि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी रहती हैं तो सरकार को घरेलू स्तर पर कीमतों पर काबू बनाए रखने के लिए टैक्स में कटौती करनी पड़ेगी। इससे राजस्व संग्रह में कमी आएगी। यदि ऐसा होता है तो सरकार को विकास से जुड़े कार्यों के लिए बाहर से धन जुटाना पड़ेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन में समस्या हो सकती है। अमेरिका ने भारत के लिए रूस के कच्चे तेल की खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसे भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है, इससे रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इसकी आड़ में भारत युद्ध में रूस की मदद नहीं कर सकता है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से कम कीमत पर भी कच्चा तेल खरीद सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीम। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।